तो कैसे हैं आप लोग, चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। तो जैसा कि आपको पता है, सैमसंग का गैलेक्सी नोट 20 बहुत ही जबरदस्त स्मार्टफोन होने वाला है। आप ये भी कह सकते हैं कि 2020 का बेस्ट फोन होगा। लेकिन इसमें एक आधी चीज है जो कि इतनी अच्छी नहीं है जो कि हमने पहले उम्मीद की थी। तो हाल फिलहाल जो सैमसंग के गैलेक्सी नोट 20 और नोट 20 प्लस हैं, दोनों चाइना की सर्टिफिकेशन से पास हुए हैं और वहां से हमें दोनों स्मार्टफोन्स के मॉडल नंबर और उनकी बैटरी कैपेसिटी का पता लगता है। जो छोटे वाला सैमसंग गैलेक्सी नोट 20 है उसकी रेटेड बैटरी कैपेसिटी है 4170 mAh। ये इतनी बड़ी लग नहीं रही, लेकिन अभी मैं बताता हूँ क्यों। ये रेटेड कैपेसिटी है, असली कैपेसिटी नहीं। रेटेड कैपेसिटी हमेशा असली कैपेसिटी से कम होती है। अगर आपको नहीं पता रेटेड कैपेसिटी क्या है, तो रेटेड कैपेसिटी वो कम से कम करंट है जो कोई बैटरी किसी समय सीमा के दौरान दे सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पिछले साल का गैलेक्सी नोट 10 प्लस लें तो उसकी भी रेटेड बैटरी कैपेसिटी 4170 mAh थी, लेकिन सैमसंग ने हमें बताया कि इसकी बैटरी कैपेसिटी 4300 mAh है। तो इसी तरह से गैलेक्सी नोट 20 की भी जब बैटरी कैपेसिटी रेटेड 4170 बताई गई है, तो इसका मतलब कि इसकी असली बैटरी कैपेसिटी 4300 mAh होने वाली है। इसके बाद बात करते हैं गैलेक्सी नोट 20 प्लस की। इसकी रेटेड बैटरी कैपेसिटी है 4370 mAh, जिसका मतलब है कि असली बैटरी कैपेसिटी इसकी लगभग 4500 mAh के आसपास होने वाली है। ये बैटरी पिछले साल के गैलेक्सी नोट 10 प्लस से तो बड़ी है, लेकिन जब हम कंपेयर करें गैलेक्सी S20 अल्ट्रा से तो ये अभी भी काफ़ी छोटी रह जाती है। लेकिन इसके पीछे काफ़ी बड़ा रीज़न है, और वो रीज़न ये है कि सैमसंग को गैलेक्सी नोट वाले फ़ोन्स में अंदर से काफ़ी सारा स्पेस वेस्ट करना पड़ता है पेन के लिए, जो कि आमतौर पर बैटरी के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसी वजह से सैमसंग के गैलेक्सी नोट फ़ोन्स में हमें S20 से कम बैटरी देखने को मिलेगी। आमतौर पर 4500 mAh की बैटरी इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है, जबकि हम देखें कि 6.9 inches की डिस्प्ले है QHD रेजोल्यूशन पे और 120Hz पे। लेकिन सैमसंग इस स्मार्टफोन में लाने वाला है LTPO डिस्प्ले, जो कि अपनी रिफ्रेश रेट को 1Hz और 120Hz के दौरान चेंज कर सकती है, और इसकी वजह से बैटरी की काफ़ी ज़्यादा बचत की जा सकती है। और जो ये LTPO डिस्प्ले है गैलेक्सी नोट 20 की, ये लगभग 20% कम बैटरी खाती है LTPS डिस्प्ले से, जो कि हमें गैलेक्सी S20 या फिर OnePlus के स्मार्टफोन्स में मिलती है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि 4500 mAh सुनने में इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं लगती, लेकिन ये असलियत में काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होने वाली है। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना अपने थॉट्स गैलेक्सी नोट 20 की बैटरी के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक भी कर देना। और गाइस, इसी के साथ मिलेंगे अगली वीडियो में।